राष्ट्रपति का स्वागत किया है, जिसे वो हर देश को उसी तरीके से इज्जत, हमारे तो वैसे ही कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, तो वही अतिथि देवो भव के भाव से ही हमेशा स्वागत किया जाता है मेहमानों का। और ये एयरफोर्स वन इस समय सीधी तस्वीरें एफएस पालम से हम आपको दिखा रहे हैं, रेड कार्पेट बिछ चुका है और देखिए ये पहली तस्वीर मिलने लगी है, जो बाइडेन सीढ़ी उतरते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं एयरफोर्स वन से हाथ हिलाकर। उन्होंने वहां पर मौजूद मेहमानों का अभिवादन किया है, एमईए के तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद है, ज्वाइंट सेक्रेटरी अमन पुरी वहां पर आगमनी के लिए खड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यहां पर मौजूद हैं और अमेरिकन एम्बेसी के तमाम वाला अधिकारी जो बाइडेन का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। ये देखिए ये आपको जेएस जॉइंट सेक्रेटरी एमईए दिखाई दे रहे हैं अमनपुरी तस्वीरों में। और अब जो बाइडेन आगे बढ़ते हुए जनरल वीके सिंह से हाथ मिलाएंगे इसके बाद, और यहां पर अमेरिकन एम्बेसी के भी तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें एफएस पालम से हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह से कुछ बातचीत करते हुए जो बाइडेन और हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए, और अब सीधे यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचेंगे जहां पर द्विपक्षीय बातचीत होगी। और मुझे लगता है कि इस समय ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यहां पर पहुंचे हैं जो बाइडेन उनसे कुछ बातचीत करते हुए, हालांकि हमें ऑडियो नहीं मिल रहा है इस बातचीत का, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी बातें, कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जिस पर दोनों ही तरफ से हंसी मजाक हो रहा है। और ये एम्बेसडर अमेरिकन एम्बेसी के, और देखिए छोटी सी बच्ची इस समय गले लगते हुए जो बाइडेन से, मुझे लगता है ये एम्बेसडर्स आपकी बेटी होंगी। और प्रणय मैं एक बार आपका रुख करूंगी, ये बच्ची ये अमेरिकन एम्बेसडर की मुझे लगता है कि बिटिया होंगी, संभवतः है, चूंकि मैं वो तस्वीर देख नहीं पा रहा हूँ शोभना, लेकिन निश्चित रूप से चूंकि एरिक गार्सिटी जो हैं वो राष्ट्रपति बाइडेन के काफ़ी करीबी भी माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने उन्हें भारत के अंदर राजदूत के तौर पर नियुक्त किया और काफ़ी लंबे समय तक उनकी नियुक्ति अटकी हुई थी। तो ऐसे में एरिक गार्सिटी के साथ में वो गर्मजोशी जो है वो नज़र आ रही है, और इसीलिए ये जो तस्वीरें हैं ये बेहद खास हो जाती हैं। और इस यात्रा के अंदर जो गर्मजोशी है उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है इन्फॉर्मेलिटी, यानी इसके अंदर एक जो नजदीकी है, एक जो गर्मजोशी है वो यहाँ एयरपोर्ट से लेकर आपको सात लोक कल्याण मार्ग तक नजर आएगी। लेकिन प्रणय मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहूंगी, कि रेड कार्पेट से उतरते ही गाड़ी खड़ी हुई है जो बाइडेन की, लेकिन जो बाइडेन जो है वो रिसेप्टोरियम की तरफ आगे बढ़े हैं और वहां पर तमाम जो लोग उनका इंतजार कर रहे हैं उनको वो हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं। जनरल वीके सिंह ने उनको बताया रिसेप्टोरियम वहां पर बनाए गए हैं जिस पर जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत सत्कार की तैयारियां की गई है। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, गीत संगीत के साथ विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। और इस समय जो बाइडेन जो है उसी गीत संगीत का आनंद उठाते हुए रिसेप्टोरियम की तरफ वो आगे बढ़े हैं और उसके बाद वो अपनी गाड़ी में सवार होंगे। ये देखिए तालियों से वो उत्साहवर्धन करते हुए उन तमाम कलाकारों का जो गीत संगीत के साथ उनका स्वागत करने के लिए यहाँ एफएस पालम पर मौजूद है, भव्य स्वागत यहाँ पर जो बाइडेन का किया गया है। और अब सीधे यहाँ से वो निकलेंगे प्रधानमंत्री आवास, तो ये देखिए गीत संगीत, अब जो बाइडेन यहाँ से विदा लेते हुए जो राजदूत है अमेरिका के वो उनकी गाड़ी की तरफ उनको एस्कॉर्ट करते हुए, और ये जो बाइडेन बढ़ गए, उनकी गाड़ी का नाम बीस्ट है और बेहद मजबूत इस गाड़ी को माना जाता है, कहा जाता है कि इस पर किसी भी तरीके के बम गोले या गोली का असर नहीं होता है। और जो बाइडेन देखिए अब बस कुछ ही क्षणों में अपनी गाड़ी में बैठेंगे, जो एम्बेसडर है अमेरिकन एम्बेसी के वो उनको एस्कॉर्ट करते हुए उनको आगे बढ़ते हुए, और अब जो बाइडेन अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और यहाँ से अब ये पूरा जो काफिला है 50 से 55 गाड़ियाँ हैं इस पूरे कारगेट में ये आगे बढ़ेगा और सीधे प्रधानमंत्री निवास पहुंचेगा जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाइडेन राष्ट्रपति जो बाइडेन का स्वागत कर रहे हैं। और ये केमिस्ट्री जो दोनों नेताओं की है, जब हम व्हाइट हाउस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब हमने देखी थी, और एक बार फिर द्विपक्षीय बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री हमें देखने को मिलेगी, क्या फैसले लिए जाते हैं, किस चीज पर चर्चा होती है, ये जानकारी तो बाद में आएगी। लेकिन अभी फिलहाल आप ये गाड़ी देखिए एयरफोर्स वन के आगे जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो सवार हो चुके हैं। विशाल मुझे लगता है यहाँ से मुश्किल से बामुश्किल 10 मिनट का वक्त लगेगा। और जो एम्बेसडर है इस समय, मैं तस्वीरें बता दूं अपने दर्शकों को, जो अमेरिकन एम्बेसी के जो एम्बेसडर है वो जो बाइडेन को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, कुछ कागज वो हाथ में लिए हुए हैं और वो राष्ट्रपति के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं और जो बाइडेन को कुछ समझा रहे हैं, वो कुछ पॉइंट्स हैं शायद जिन पर चर्चा की जा रही है या उनको ब्रीफ किया जा रहा है। और अभी गाड़ी जो है वो जस की तस वहीं रुकी हुई है और मुझे लगता है कि ब्रीफ करने के बाद, ब्रीफिंग
के बाद जो राजदूत हैं अमेरिकन राजदूत अमेरिकन एम्बेसी के वो उतरेंगे गाड़ी से, और जो बाइडेन का जो पूरा काफिला है 50 से 55 गाड़ियां, जैसा कि मैं बार बार आपको जानकारी दे रही हूँ, बड़ी सुरक्षा के बीच जो बाइडेन यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंचेंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे हैं। विशाल, आज क्या कार्यक्रम रहेगा द्विपक्षीय बातचीत के अलावा? क्या रात का जो डिनर है, जो खाना है, रात्रि भोज है, क्या वो प्रधानमंत्री के आवास पर होगा जो बाइडेन का? बिल्कुल शोभना जी, अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि जो बाइडेन के डिनर का आयोजन भी सात लोक कल्याण मार्ग पर रखा गया है। जो बाइडेन जैसे ही अपने जहाज से उतरते हैं, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने उनका स्वागत किया, साथ ही विदेश मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी वाणी राव, जो कि अमेरिका डिवीजन को देखती हैं, वो वहाँ पर मौजूद रहीं, और इसके अलावा अमेरिकी राजदूत जो भारत में हैं वो भी इस जगह पर मौजूद रहे, और एक छोटी सी बच्ची भी अमेरिकी राजदूत के साथ मौजूद थी। हालाँकि वो बच्ची कौन थी इसकी अभी और डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन जो बाइडेन काफी देर तक उस बच्ची से बातचीत करते रहे, उसके बाद जनरल वीके सिंह के साथ आगे बढ़े, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम एयरपोर्ट पर जो बाइडेन के स्वागत के में रखा गया था उसे जो बाइडेन ने देखा और तालियां बजाई, काफी खुश हमें नजर आ रहे थे। जो गाड़ियां हैं विशाल, मैं आपको 10 सेकंड के लिए रोकूंगी, और ये जो राष्ट्रपति जो बाइडेन की गाड़ी है ये आगे बढ़ चुकी है, अब ये पूरा कार्केट यहां से एयरपोर्ट से निकल चुका है। राजदूत अमेरिकन एम्बेसी के वो जो बाइडेन के साथ उनकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, और ये पूरा लॉलेस्टर जो है पूरी सुरक्षा के साथ यहां से निकल चुका है। लगभग 50 से 60 गाड़ियों का ये पूरा काफिला है मौर्या में रुके हुए हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के, लेकिन अभी इस समय वो होटल नहीं जाएंगे, वो सीधे प्रधानमंत्री निवास जाएंगे, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए FS पालम से राष्ट्रपति जो बाइडेन का पूरा काफिला बाहर निकलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। प्रणय, मैं क्योंकि आपको एक लंबा चौड़ा अनुभव है, इस तरीके के दौरे आपने बहुत कवर किए हैं, आप विदेश यात्रा पर भी कई बार गए हैं प्रधानमंत्रियों के साथ, पुराने जो प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं, ऐसे में जो राजदूत राष्ट्रपति जो बाइडेन की गाड़ी में बैठे हुए हैं उनको कुछ ब्रीफ किया जा रहा है, क्या लग रहा है, ये क्या बताया जा रहा होगा, क्या ब्रीफिंग हो रही होगी इस समय, या क्या चीज पर इस समय बातचीत कर रहे होंगे एम्बेसडर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ? देखिए, महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं शोभना, इस लिहाज से महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं क्योंकि आमतौर पर इस तरीके की ब्रीफिंग्स तब होती हैं जब कोई राष्ट्राध्यक्ष पहुंच जाता है, होटल में होता है, उसकी बाकायदा किसी महत्वपूर्ण मुलाकात से पहले ब्रीफिंग होती है, लेकिन अभी चूंकि समय नहीं है क्योंकि एयरपोर्ट से ही सीधे उन्हें सात लोक कल्याण मार्ग जाना है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात होनी है, इसलिए राजदूत जो हैं उन तमाम मुद्दों के ऊपर, जिन मुद्दों के ऊपर